नमस्कार, आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 के ऐसे प्रतिभागी जिनके पास IVR कॉल आ चुका है और ऑनलाइन ऑडिशन के डेट के लिए भी उनको जो है बता दिया गया है कि उनका ऑनलाइन ऑडिशन सोनीलिव ऐप पे कब और कितना बजे होने वाला है। लेकिन कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं, कुछ ऐसे KBC के प्रतिभागी हैं जिनके पास जब IVR कॉल गया तो उसमें एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए जो है एक ईमेल आईडी बताया गया, जिस ईमेल आईडी पे उनको अपना डॉक्यूमेंट जो है सेंड करना था। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी, और काफ़ी सारे, सिर्फ इस सीजन की बात हम आपको नहीं कर रहे हैं, हर सीजन में ऐसा होता है कि प्रतिभागी ऑनलाइन ऑडिशन वाले डेट में जाके सोनीलिव ऐप पे सबमिट करते हैं, लेकिन जो मेन डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन ऑडिशन के डेट से पहले आपको KBC टीम के पास सेंड करना होता है, प्रतिभागी वहाँ पर सेंड करना जो है चूक जाते हैं और वो अपना डॉक्यूमेंट वहाँ पर सेंड नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनका सिलेक्शन जो है वहीं पर डिसकनेक्ट हो जाता है। सबसे पहले देखिए व्यूवर्स के तरफ से क्या सवाल पूछा गया है, उस सवाल को हम आपको दिखाते हैं। ओम गुप्ता नाम के एक प्रतिभागी हैं KBC के, जो कि देखिए लिख रहे हैं, हेलो सर, आई गॉट ऑडिशन कॉल, बट सर आई एम कन्फ्यूज डेट ऑडिशन से पहले कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना है क्या? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि आपको ऑनलाइन ऑडिशन से पहले KBC टीम के पास आपको अपना डॉक्यूमेंट या फिर अपने बारे में डिटेल्स जो है वो सेंड करना होगा। ध्यान रखिए, जिस दिन आपके पास IVR कॉल आया था, दूसरा IVR कॉल, हम पहले IVR कॉल की बात नहीं कर रहे, दूसरा IVR कॉल जब आपके पास आया था, जिस दिन आपको ये बताया गया था कि आपको KBC ऑनलाइन ऑडिशन के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है और जहाँ पे आपको अपने ऑनलाइन ऑडिशन का डेट दिया गया था कि कितना बजे से आपका ऑनलाइन ऑडिशन होगा, उसी दिन आपको उसी IVR कॉल में बताया गया होगा कि आपको एक KBC के ईमेल आईडी पे जो है आपको अपना डिटेल्स और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट, जैसे पैन कार्ड और आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड काफ़ी हो जाता है, तो पैन कार्ड और आधार कार्ड नॉर्मली जो है आपको उस ईमेल आईडी पे सेंड करना होगा। लेकिन कौन से ईमेल आईडी पे सेंड करना होगा वो आपके पास कॉल आया होगा तो आप लिख कर रखे होंगे। नॉर्मली होता क्या है कि अगर हर सीजन की बात करें तो जो KBC की तरफ से ईमेल आईडी दिया जाता है, kbcresponse@setindia.com, ये ईमेल आईडी होता है। आप गूगल पे जाके चाहेंगे तो आप सर्च भी कर सकते हैं, जैसा कि देखिए हम आपको एक दिखा रहे हैं, हम गूगल पे जाके नॉर्मली लिखे हैं KBCR, तो स्पष्ट यहाँ पे दिखा रहा है kbcresponse@setindia.com, लेकिन हम आपको डायरेक्ट यहाँ पे अपनी डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए आपको नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर आप लिखे हुए हैं अपने एक नोटबुक पे कि IVR कॉल में कौन सा ईमेल आईडी बताया गया था, हो सकता है इसमें कुछ बदलाव किया गया हो, चूंकि इस साल का कौन सा ईमेल आईडी है अभी प्रतिभागी की तरफ से हमारे तक नहीं पहुंचाया गया है। कुछ ऐसे प्रतिभागी हैं, अगर आपके पास जो है IVR कॉल ऑनलाइन ऑडिशन का आ चुका है तो अगर आप लिख कर रखे हुए हैं ईमेल आईडी, तो कृपया इस वीडियो के नीचे जो है ईमेल आईडी जरूर आप सेंड कीजिए, लेकिन 99% जो चांस है kbcresponse@setindia.com पर ही जो है आपको अपना डॉक्यूमेंट सेंड करना होगा। लेकिन अगर आप कन्फ्यूज है, आपको ईमेल आईडी में कुछ समस्या हो रहा है, तो आप नॉर्मली कीजिए क्या, यूट्यूब पर जाइए और यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए कि हाउ टू अपलोड डॉक्यूमेंट ऑन KBC टीम 2021, ठीक है? आप YouTube पे जाके इतना सिर्फ सर्च कीजिए कि ऑनलाइन ऑडिशन से पहले KBC टीम के पास अपना डॉक्यूमेंट कैसे सेंड करें। काफ़ी सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनके पास IVR कॉल आया है, तो IVR कॉल जो है लाइव रिकॉर्डिंग वहाँ पे व्यूअर्स को सुना रहे हैं, जिसमें आपको ईमेल आईडी सुनने को मिलेगा। तो यही ईमेल आईडी 99% हम बोले हैं, लेकिन 1% के लिए आप जाकर लाइव रिकॉर्डिंग जरूर सुन लीजिएगा। तो इसी ईमेल आईडी पे आपको अपना डॉक्यूमेंट जो है सेंड करना होगा। डॉक्यूमेंट में पैन कार्ड और आधार कार्ड दो काफ़ी है, क्योंकि पैन कार्ड पे डेट आपका हो जाएगा और आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो बैकग्राउंड में पीछे रहता है, तो आगे और पीछे दोनों का आधार कार्ड का आपको फोटो खींच के वहाँ पे डालना पड़ेगा, और पैन कार्ड का सिर्फ आप फ्रंट भी खींच कर डालेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद जो है अपने बारे में डिटेल्स आपको वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा, जो जो आपसे डिमांड किया गया होगा। अगर आप लिखे हैं कि क्या क्या आपको भेजना है तो ठीक है, और अगर आप लिखना भूल गए हैं तो इसके बारे में भी आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं कि KBC टीम के पास डॉक्यूमेंट में क्या क्या वहाँ पर सेंड करना है, लाइव रिकॉर्डिंग उसमें सुनाया जाएगा, फिर से आप लिख सकते हैं। तो आज के डेट में कोई भी प्रतिभागी के पास समस्या नहीं है, इस तरीके से आप YouTube पे जाइए, सुनिए और अपनी चीज़ों को सेंड कीजिए। लेकिन एक चीज़ खास इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले थे कि जैसे ओम गुप्ता जी की तरफ से ये मैसेज भेजा गया है, ये कमेंट जो है पोस्ट किया गया है, बिल्कुल अगर आप अपने ऑनलाइन ऑडिशन के दिन से पहले तक KBC टीम के पास अपना डॉक्यूमेंट, अपने डिटेल्स आप सबमिट नहीं करते हैं,
तो सबसे पहले ऑनलाइन ऑडिशन के दिन सुनीलिव ऐप पे आपको अनुमति ही नहीं दी जाएगी आगे का प्रक्रिया संपन्न करने के लिए। लेकिन अगर अनुमति आपको मिल भी जाता है उसके बावजूद भी आपका सिलेक्शन जो है वहीं पे डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आप केबीसी टीम के पास जो है अपना डॉक्यूमेंट सेंड नहीं किए हुए रहेंगे। इसलिए ऑनलाइन ऑडिशन से पहले जिस दिन आपके पास केबीसी का आईवीआर कॉल आया था जिसमें यह बता दिया गया था कि आपका ऑनलाइन ऑडिशन कब होने वाला है, तो उस दिन से कल होकर जो है आप ऑनलाइन ऑडिशन से पहले आप उस ईमेल आईडी पर जाकर अपना डॉक्यूमेंट जरूर अपलोड कर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट एक बार आप जाकर जरूर यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि क्या क्या सेंड करना है। लेकिन खास इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले थे कि काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जो कन्फ्यूज्ड हैं, यानी कि एक तो ईमेल आईडी उनको समझ में नहीं आया, साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रतिभागी हैं जो प्रति साल ऐसा होता है कि जिनके पास आईवीआर कॉल आ जाता है ऑनलाइन ऑडिशन के लिए, डॉक्यूमेंट वो सेंड नहीं करते हैं और ऑनलाइन ऑडिशन के दिन जो है सुनीलिव ऐप पे जाके सिर्फ साइन इन करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलने वाला है। आपको अपने ऑनलाइन ऑडिशन से पहले जो है केबीसी टीम के पास आपको अपना डॉक्यूमेंट जो आईवीआर कॉल में डिमांड किया गया है और अपने बारे में डिटेल्स जो है उस ईमेल आईडी पे आपको सेंड करना ही होगा।